हमेशा आप महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पत्रकारों से बात करती हैं, आज क्या मुद्दा लेकर आज पत्रकारों से? आज मुद्दा है, एक तो निर्भया हमारी मोटो है जो फांसी टल गई, इस पे सारा मतलब मेरा महिला विकास मंच 22 तारीख को पूरे इंडिया में प्लान करके बैठा था कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद ये जो दुख पहुंचा इतनी महिलाओं का, इस उम्मीद में थे कि कुछ लोगों को फांसी अगर मिलेगी तो शायद डर से बाकी लोग कुछ तो संख्या 10% ही तो सुधार होगा, हम 100% की बात नहीं कर रहे। इस आक्रोश में पूरी महिला हमारे समाज जो है वो रियली दुखी हुई है कि टलिए, 1 तारीख को डेट दिया गया है, 1 तारीख को अगर फांसी नहीं होती है तो आक्रोश होगा, डेफिनेटली होगा। निर्भया मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि इतना बिहार में जो हमारे बिहार में बैठे हैं, तो पहले हम बिहार की बात कर लें, बिहार का आक्रोश बिहार प्रदेश मेरे पास लेके पहुंच गई। मैं मेरे को पूरे राष्ट्र की महिला अध्यक्ष को देखना है, मैं क्या जवाब दूँ, मैं किससे मांगूँ इसका जवाब? बिहार प्रदेश कह रही है कि अब तो उत्पीड़न खत्म ही नहीं होगा, कल रेप हो गया, परसों रेप हो गया, तो क्या हम लोग 7 साल से इसी तरह टाइम वेस्ट कर रहे हैं महिला विकास मंच चला के? हमारी आवाज़ सुनता ही नहीं कोई, तो दुखी हो गए हम, अपना दुख व्यक्त करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। क्या लगता है बिहार सरकार जो महिलाओं की हित की बात करती है, तो क्या ये सिर्फ एक जुमला है, महिलाओं के प्रति नहीं सोच रही है? ये तो बोलने की बात नहीं है, महिलाओं के प्रति खूब सोच रही है, क्योंकि कागज में खूब सोचती है, न्यूज़पेपर में खूब सोचती है, न्यूज़ेस में बहुत आते हैं, ये प्लानिंग्स हुए, ये बना, वो बना, कल्याण विभाग बना, क्या बना, लेकिन रिजल्ट तो देखने को नहीं मिलता है ना। कितनी बिहार सरकार की महिलाएं हैं जो घर घर जाके काउंसलिंग करती हैं महिला उत्पीड़न पे? अब महिला विकास मंच जवाब मांग रहा है बिहार सरकार से, जवाब नहीं मिला तो आगे क्या करें? चिल्लाएंगे, रोज रैली निकालेंगे, इसलिए कि हम लोग करीब 7 महीने से हाजीपुर की एक लड़की जिसकी हत्या हुई है, हम लोगों ने लगातार मुख्यालय में जाके, वो दोषी भी पाए गए हैं पति, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, पति को पकड़ नहीं पा रहे हैं। कैसा है अगर एक लड़के को ना, एक ये जो 4 लड़के हैं इनको फांसी मिल गई तो हर रेपिस्ट को एक सेटअप कॉल मिलेगा, हिम्मत नहीं होगी, क्यों हिम्मत लोग बनने दे रहे हैं? आज बहुत दुखी है पूरी महिला विकास मंच की टीम, अगर निर्भया को नहीं मिला ना तो हम पूरे इंडिया में आक्रोश रैली निकालेंगे, हम भी दिखा देंगे, और ना केवल महिला विकास मंच, हम एक एक महिलाओं को जगाएंगे कि इस निर्भया की जो हत्यारे हैं ना उनको, क्योंकि आज अगर निर्भया जिंदा होती तो वो देना होता ना कि माफ़ी, तो वो दे देती, वो तो रही भी नहीं, रेप भी हुआ, उसे मार भी दिया गया, आज उसको इतनी उसके मनोबल को टूटना नहीं चाहिए था। अगर ये 4 मर गए ना, 4 को हत्या मिल गया फांसी, तो आज मुझे इतना विश्वास है कि पूरे इंडिया में जो रेपिस्ट लोग घूमते फिर रहे हैं, आज इनका इतना डर बढ़ता जा रहा है, अपने आप 50% घटेगा, कहीं ना कहीं उनके पास एक डर तो रहेगा कि आज मार रहे कल हम भी फांसी पर लटके जाएंगे, तो ये एक सेटअप कॉल है उनको, 4 के का अगर बलिदान होगा ना, किस मानवता की बात करते हैं? क्या ये महिलाएं मरती हैं, लड़कियां मरती हैं, तो यहाँ कोई मानवता नहीं है? रेप भी होता है और उनका मानवता, उस समय मानव अधिकार वाले कहाँ जाते हैं, क्यों नहीं खड़े होते हैं, क्यों 7 साल तक रो रही हैं? हम भी रो रहे हैं आज निर्भया के माँ बाप के साथ, हमें भी उतनी ही आंसू, हमें पूरा महिला विकास मंच इतनी आक्रोशित है, हम बहुत दुखी हैं, क्यों नहीं मिल रहा है उनके, उन हत्यारों को मिलना चाहिए सजा, फांसी पर लटकना चाहिए, तभी हमें सुकून मिलेगा, क्योंकि आज हमारी जो बिया आखिर ये बिहार की ही बेटी है निर्भया, उनके पापा यहीं से बिलोंग करते हैं, दरभंगा से बिलोंग करते हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बिहार के हैं और बिहार की बेटियां ऐसे ही मारी जा रही हैं, कभी कोई पति मार रहा है तो कोई रेप करके मार रहा है, इसको रुकना चाहिए। आज संगीला हत्याकांड को लेकर लगातार हम रो रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अगर पुलिस नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? हम रोज जा रहे हैं, उनके पति आराम से जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, आप पता करिए संगीला हत्याकांड का, हम लोग गए थे डीएम के पास आक्रोश रैली निकाले, कुछ भी नहीं हुआ, तो कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? हम जगाएंगे कॉलेज की लड़कियों को जगाएंगे, वो आगे निकलेंगे और आक्रोश रैली करके दिखाएंगे। संगीला वाले में जब हम लोगों ने ये बात पकड़ ली कि 10 लाख रुपए में डील हुआ है,
मैं नाम नहीं लेने से डरती नहीं हूँ, मुद्रिका जी से मेरी फोन पे बात हुई थी, वो ऑडियो जाके मैंने मुख्यालय में सुनाया था। नहीं नहीं मैडम, हो जाएगा, गलती हो गई, धारा बदल गया। आप ही लोगों ने आज से 5 महीना पहले संगीला पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या मिल गया उसको न्याय? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अरे 5 महीने से एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग, हमारा भी अपना वक्त, मतलब सरकार हमें पे तो नहीं कर रही है ना, लेकिन हम तो लगे हुए हैं कि उसको किसी तरह, वो जो मारा है जला के उस लड़की को, फांसी पे टांग दिया मारने के बाद, तो कम से कम उसके घर को कुर्की जब्ती तो हो सकती थी। वारंट इशू, डीजीपी सर बोलते हैं वारंट इशू हो गया, वहाँ जाते, अरे वारंट इशू हो गया तो वैशाली पुलिस कर क्या रही है, क्यों नहीं? फिर सेम रिपीट हुआ, वही चीज रिपीट एंड रिपीट, मतलब इतना जुमलेबाजी करते करते अब थक चुके हैं। सत्ता में आएगी महिला विकास मंच, अब सत्ता में आएगी और महिला उत्पीड़न पर काम करेगी।